हाँ यार देखो वो काम कर रहा अपना, ऐसे कस्टमर से ऐसे भाव कर रहे, नहीं मैडम इतने का नहीं लगने का यार। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मजा आ गया। हाँ एक नंबर। हाँ ऐसा नजारा उधर नहीं होता हमारे, शिवचौक का माहौल अलग ही है और नई मंडी का माहौल अलग ही है। तो यार सभी को नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। लास्ट टाइम वीडियो वही डाली थी ताड़कावत की, तो भैया अब आ चुका है फेस्टिव सीजन, और फेस्टिव सीजन में भी आ जाए सीधा धनतेरस, और धनतेरस पे जो हमारे यहाँ पे मुजफ्फरनगर में मार्केट वगैरह जो है बहुत अच्छा तरीके से डेकोरेट हुआ हुआ है और बाजार वगैरह लग रहा है। तो आज इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं अपने मुजफ्फरनगर के जो बाजार हैं वो कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट है, और शहर के अंदर क्या माहौल है, और जो भी चल रहा है शहर के अंदर वो आपको एज इट इज इस ब्लॉग में हम दिखाने वाले हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए, तो चलते हैं सीधा मार्केट और मिलवाते हैं कुछ लोगों से आप। आ गए अपने शहर के हार्ट में नई मंडी में। ऐसा नजारा उधर नहीं होता हमारी तरफ, देखो ना हमारे वहाँ कहने की है, हमारे वहाँ तो खिचकट है जी, मजेदार चीज है। यहाँ आदमी जेन्युइन तरीके से अपना फेस्टिवल बना रहा, प्रॉपर है हर चीज जो भी है। बहुत मदन लाल सुरेश कितना अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ, एक नंबर। इसका तो भैया नहीं चाहिए। अपने शिव चौक
आलू बेच लेते हैं। शिवचौक का माहौल अलग ही है और नई मंडी का माहौल अलग ही है। तो यार हमने आपको नई मंडी घुमा दिया और अपना शहर का जो हमारा शिवचौक था वहाँ पे देखो कितना भीड़ हो रहा है, ये देखो। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी भाई, जो अपनी मंडी का जैसा माहौल है वो शहर में कहीं नहीं होता। और हम यहाँ पर खड़े होकर सोच रहे हैं मंडी में जो होता है एक्चुअली वहाँ पे ना जो अपनी सिटी का कस्टमर है वो ही पहुँच पाता है वहाँ तक। यहाँ पे क्या होता है आसपास के जो लगे हुए गाँव हैं और सारे जो कस्बे हैं आसपास के वहाँ पे सारा कस्टमर यहीं पे आता है शिवचौक पे, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा जाम होता है। और ये यहाँ पे दुकान वगैरह भी बीच में लगाई जाती है ऐसे अच्छी तरीके से दुकान। ये देखो यहाँ पे सब अपनी छोटी छोटी दुकानें बना के सब अपनी बिक्री कर रहे हैं और हम यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। और जब हम यहाँ पे देख रहे हैं ना भैया, मैंने कहा यार देखो वो काम कर रहा अपना, ऐसे कस्टमर से ऐसे भाव कर रहे, नहीं मैडम इतने का नहीं लगने का। तो यार सब चाह रहे हैं कि त्यौहार पे दो पैसे ज़्यादा बन जाए और अपना अच्छी खासी दुकानदारी निकल जाए। दो तीन दिन पहले यहाँ राड होनी शुरू हो जाए जी, जो भी अपनी यहाँ पल्ली पुल्ली से बिछा दिया उसी के नाम की दुकान लगे। यहाँ पे क्या हुआ है वो दिखा नहीं पाया मैं इस बार, लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग में मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पे ना ये जगह घेर लिया जी पहले ही, एक रात पहले यहाँ डंडा रख दे, कोई अपना ड्रम रख दे, कोई लौट जा, ऐसा। तो यार ये अपना अंसारी रोड, यहाँ पे अपना जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है यहाँ पे सारा मिलता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई है और होलसेल रेट में भी यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉनिक का जो आइटम है मिलता है। ये जो मार्केट है इसका नाम है पालिका बाजार, ये अंसारी रोड वही पड़ती है और सारा आइटम यहाँ पे मिलता है इलेक्ट्रॉनिक का। वो प्लेट से टाइप में आई थी जो। तो यार आगे थे अपने घर पे और ऐसा रहा यहाँ पे धनतेरस का दिन अपने मुजफ्फरनगर में। और काफ़ी अच्छा जो था क्राउड देखने को मिला आज मार्केट के अंदर, क्योंकि भैया व्यापारी लोग बहुत दिन से निराश थे और कस्टमर नहीं पहुँच पा रहा था मार्केट में। जैसे त्यौहार नज़दीक आ रहे थे उस हिसाब से भीड़ नहीं थी, लेकिन आज सारी कमी पूरी कर दी अपने कस्टमर ने। काफ़ी ज़्यादा भीड़ रही आज मार्केट में और अच्छी सबकी जो है दुकानदारी हुई। ये मैंने आपको दिखाई दिया ब्लॉग में अपना भगत सिंह रोड, नई मंडी और अंसारी रोड, जो भी मतलब जो रिलेटेड थी हमारे फेस्टिव सीजन से वो मैंने आपको सब इस ब्लॉग में कवर कर दिया है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को इसको वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि पता चले अपने शहर में कितने अच्छे से हर त्यौहार मनाए जाते हैं। एक जो है भैया एक रिक्वेस्ट आप सबसे, जो आप सामान वगैरह खरीदते हो दिवाली पे त्योहारों पे, मेनली जो त्योहारों पे, तो ये सामान आपको मार्केट जाके और जो दुकानदार है उनसे ही खरीदना चाहिए। क्योंकि भैया मैंने देखा दिवाली पे देखो सब इतना अच्छा माहौल क्रिएट करके रखते हैं, दुकान का डेकोरेशन कराते हैं, इतना मतलब पैसा खर्च करते हैं और कस्टमर क्या करते हैं ऑनलाइन बुक कर देते हैं। तो उससे अच्छा है मार्केट जाओ और वहाँ से सामान खरीदो, आप देख के लोगे और अच्छा लोगे और उससे अपना जो त्योहारों की रौनक है वो भी रेगुलर बनी रहेगी। अगर आपको ये बात से आप सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना मेरी बात सही है या गलत है। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, जय श्री राम और सभी को हैप्पी दिवाली।